ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल माई स्पेस माई लिविंग। सर्दियों का मौसम चल रहा है और विंटर्स तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन विंटर्स अपने संग कुछ चैलेंजेस लेके आती हैं, उसके कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ प्रॉन्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह अपने विंटर्स को थोड़ा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेडशीट से। कॉटन बेडशीट्स किसको नहीं पसंद, किसी भी बेडरूम को एकदम से सुंदर बना देती है कोई भी ब्यूटीफुल सी बेडशीट। मुझे भी बेडशीट कलेक्शंस का बहुत शौक है और कॉटन इज़ माय फेवरेट फैब्रिक। बट विंटर्स में यही बेडशीट्स इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगती हैं कि कई बार बड़े अनकंफर्टेबल से हम फील करने लगते हैं। तो यही मेरा पहला टिप आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग अच्छी वार्म बेडशीट्स में भी इन्वेस्ट करें। जब कभी कभी जो दिन बहुत ठंडा होता है, पर्टिकुलर कुछ महीने जो होते हैं जैसे कि दिसंबर एंड जनवरी में, उस समय आप इस तरह की वार्म बेडशीट्स को लगा सकते हैं अपने बेड में। ये पिल्लो केस के संग आती हैं, बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह दिखती हैं एंड ये सेट ऑफ टू पिलोज के साथ भी आती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट ही चेंज कर लेती हूँ। बेडशीट लगने के बाद कुछ इस तरह लगती है, काफ़ी वार्म कोजी। आपको एकदम से आपका बेडरूम बिल्कुल वार्म एंड कोजी सा लगने लगेगा। इस तरह की बेडशीट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती हैं और आजकल तो इसमें एक से एक सुंदर डिज़ाइंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेरी फर्स्ट टिप ये है कि आप ज़रूर 2 या 3 इस तरह की बेडशीट्स में इन्वेस्ट करें। मेरी सेकेंड टिप ये है कि आप इस तरह के लिंट रिमूवर मशीन में इन्वेस्ट करें। मार्केट में बहुत तरह की लिंट रिमूवर मशीन्स आती हैं जो वायर के संग और वायरलेस भी आती हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपके बजट में कंफर्टेबल लगे, उसको ज़रूर परचेज करें। आप देखें, आप कितना भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी कपड़े में थोड़ा बहुत लिंट भूर आ ही जाता है। तो इस तरह से ये मशीन काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके क्लोथ्स को क्लीन करने में। आपने देखा, यहाँ पे मैंने इस आर्म से ये लिंट यहाँ से रिमूव कर दिया है। वाव, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आया है। उसी तरह ये मेरे बेटे की स्वेटशर्ट है, इसके आर्म्स में भी काफ़ी भूर आ गई है, काफ़ी लिंट आ गए हैं। चलिए इसको भी रिमूव करके देख लेते हैं। नाइस, आप देख सकते हैं कि लिंट कितने अच्छे से यहाँ निकल गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% निकल जाते हैं, लेकिन 99% या 97% तो निकल ही जाते हैं, जिससे आपका क्लॉथ एक्चुअली देखने में अच्छा लगने लगता है पहले की तरह। मेरा थर्ड टिप ये है कि आप जो इस तरह के हैंड टॉवल्स यूज़ करते हैं विंटर्स में, इनको ना यूज़ करके आप माइक्रोफाइबर के टॉवल्स यूज़ करें। ये टॉवल्स इतने अच्छे होते हैं, वाटर इतने अच्छे से इजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उतनी ही जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको निचोड़ना, इसको सुखाना काफ़ी इजी होता है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मैं विंटर्स में अपने सारे टॉवल्स चेंज करके इस तरह के हैंड टॉवल्स यूज़ करती हूँ। मेरा फोर्थ टिप ये है कि आप विंटर्स में अपने फ्रिज की सेटिंग को चेंज कर दीजिए। आपके फ्रीज़र और आपकी जो फ्रिज की जो कूलिंग सेटिंग नंबर होता है, उसको चेंज करके सेकंड नंबर पे कर दीजिए। जैसे कि मेरे फ्रिज में मैंने अपने दोनों ही सेक्शन नंबर 2 पे रखे हुए हैं और ये मेरे लिए परफेक्टली वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि आपने किस तरह का सामान अपने फ्रिज में रखा हुआ है और अपनी सेटिंग इस तरह कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप डोर बॉटम
सीलिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कीजिए। ये इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं, ये मेरी लास्ट ईयर की स्ट्रिप्स बची हुई थी, तो ये इस तरह से मुड़ी हुई आपको लग रही होंगी, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ माय मेन डोर, और आप देख सकते हैं कि मेन डोर का जो जाली वाला दरवाज़ा है वहाँ पर काफ़ी ओपन एरिया है, वहाँ से काफ़ी ठंडी हवा अंदर आती है, तो मैंने अपने मेन डोर में इस स्ट्रिप्स को इस तरह लगा दिया है, जिसकी हेल्प से मेरा जो लिविंग रूम है वो काफ़ी सील एयर टाइट हो जाता है और बाहर से ठंडी हवा इतनी नहीं आती है। तो आप भी इस तरह के डोर सीलिंग मैट्स या डोर सीलिंग स्ट्रिप्स लगा के अपने रूम को काफ़ी कोजी कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के जो हीटिंग पैड जो होते हैं, इसकी हेल्प से आप अपने बेड को काफ़ी वार्म कर सकते हैं। अब आप इससे अपनी कमर तो सेक ही सकते हैं, पर इसके साथ ही साथ इससे आप अपने बेड को भी वार्म कर सकते हैं। मैं जनरली कभी कभी विंटर्स में इसको प्लग इन करके अपने कंबल के अंदर 20 से 25 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मेरा बेड काफ़ी वार्म हो जाता है। तो इस तरह का हैक आप भी ट्राई कर सकते हैं इस विंटर्स में। मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि आप विंटर्स में विंटर डेलिकेसीज को ज़रूर ट्राई किए, जैसे कि गाजर का हलवा हो गया, सरसों का साग हो गया, पिंजरी हो गई। इस तरह की चीज़ें सीजनल होती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। कैरेट तो आप जानते ही हैं, रिच इन विटामिन सी, और वो आपके लिए वैसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो विंटर्स में विंटर डेलिकेसीज ज़रूर इंजॉय कीजिए अपने और अपने फैमिली के साथ। लास्ट मंथ मेरी मम्मी आई थी और मेरी मम्मी हमारे लिए ये पिंजरी बना के गई हैं, तो मैं चली गई आपसे छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप कढ़ाई लीजिए, उसमें घी डालिए और आटे को अच्छे से उसमें भून लीजिए, जब तक कि वो हल्का भूरे कलर का ना हो जाए, मीन्स हल्का नहीं, थोड़ा सा अच्छा खासा ब्राउन होना चाहिए। अभी मैं आपको उसका कलर दिखाऊंगी। इस तरह जब ये इस तरह भुन जाए तो आप इसको कढ़ाई से निकाल लीजिए और फिर कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के आप ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर फ्राई कीजिए। जैसे कि सबसे पहले हमने किशमिश निकाल दी है, उसके बाद फिर मम्मी ने इसमें काजू को फ्राई करके निकाल दिया, उसी तरह फिर आगे बादाम को, मखाने को, पिस्ते को, इसी तरह इन चीज़ों को भी एक एक करके आप फ्राई करके निकाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने के बाद आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह आटे में मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और इसमें फिर हमने पिसी हुई शुगर भी ऐड की है, आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसी तरह इसको बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और अगर आपको ये इस तरह ड्राई लगता है तो आप इसमें घी ऐड करके इसके लड्डू बना के भी रख सकते हैं। तो बस मेरा पॉइंट ये है कि आप विंटर डेलिकेसीज को ज़रूर इंजॉय कीजिए। That's all for today's video. Hopefully आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माई स्पेस माई लिविंग, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ माई स्पेस माई लिविंग। टेक केयर, बाय बाय।